खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फर्जी डिग्री मामले में अंकु बसोआ का दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला कैंसिल। अमृतसर के निरंकारी भवन में ब्लास्ट, 3 की मौत। करणवीर ने पत्नी के ओपन लेटर को लेकर सलमान से मांगी माफी। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष अंकु बसोआ ने गुरुवार को अपना इस्तीफा विश्वविद्यालय वाइस चांसलर को सौंप दिया। अब इस मामले में ये जानकारी सामने आई है कि अंकु बसोआ का विश्वविद्यालय के बुद्धिस्ट स्टडीज विभाग से दाखिला कैंसिल कर दिया गया था। बता दें कि अंकु बसोआ बुद्धिस्ट स्टडीज विभाग में एमए के छात्र थे। सूत्रों की माने तो विश्वविद्यालय ने उनके इस्तीफा देने से एक दिन पहले ही उनका दाखिला खत्म कर दिया था। यह फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय ने तब लिया जब विश्वविद्यालय को तिरुवल्लुर यूनिवर्सिटी से इस बात की पुष्टि हो गई थी कि अंकु की ग्रेजुएशन की मार्कशीट फर्जी है। अमृतसर राजसांसी क्षेत्र के आदिवाल गांव में बम धमाका हो गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमाका गांव के निरंकारी भवन के पास हुआ। इस निरंकारी भवन में हर रविवार प्रवचन सभा का आयोजन होता है। धमाका करीब 12 बजे हुआ। धमाका उस समय हुआ जब निरंकारी भवन में सत्संग चल रहा था। बिग बॉस 12 के प्रतिभागी करणवीर बोहरा ने पत्नी टीजे द्वारा लिखे गए ओपन लेटर को लेकर होस्ट सलमान खान से मांगी माफी। जब मेरा और आपका यहाँ पे इंटरेक्शन होता है तो आपको क्या बुरा लगता है? बिल्कुल नहीं। टीजे ने बिग बॉस को एक ओपन लेटर लिखा है कि जो हमारा और आपका जो इंटरेक्शन है वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ह्यूमिलेट करता हूँ। नहीं सर, मैं यहाँ पर ही बोलते मस्ती करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी मिसेस को कतई पसंद नहीं है ये, तो एक काम करेंगे, आज के बाद आपके साथ यहाँ पर हम कोई इंटरेक्शन नहीं करें। सॉरी सलमान भाई, अगर ऐसे लिखा। जी हाँ, ऐसे लिखा गया कि मेरे हस्बैंड, मेरे शोहर बहुत बड़े स्टार हैं, उन्होंने बहुत इज्जत कमाई और हम उनकी बेइज्जती करते हैं, स्पेशली ऑन वीकेंड के बाद। पर मुझे एक बात बताएं, कितने में केवी कितना दिखते हैं और वीकेंड में केवी से इंटरेक्ट कितना होता है? टीजे ने बोला मैं उसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ और रियली सॉरी अगर उसने ऐसा लिखा है। यहाँ पर गेम चल रहा है तो बाहर भी गेम चल रहा है। बिग बॉस 12 के प्रतिभागी करणवीर बोहरा ने पत्नी टीजे द्वारा लिखे गए ओपन लेटर को लेकर होस्ट सलमान खान से मांगी माफी। सलमान ने कहा, टीजे को लगता है हम आपकी बेइज्जती करते हैं, अब हम यहाँ आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। इस पर करणवीर ने कहा, उसने ऐसा लिखा है तो मैं शर्मिंदा हूँ और माफी मांगता हूँ। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।